केशव HIV पॉजिटिव है ये उसे पता भी नहीं, लेकिन वो बहुत गुमसुम हो गया है। आज हमारे देश में एड्स को लेकर बहुत जगह जन जागृति चालू है, लेकिन आज भी जो एड्स के कारण पीड़ित बच्चे हैं, उनके साथ समाज, समुदाय और स्कूल में कैसे बर्ताव करते हैं, ये मैं आपको मेरे वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। पुरंदर माध्यमिक विद्यालय सासवड इस स्कूल में केशव पढ़ाई करता था, लेकिन अभी 2 महीने से उसे स्कूल के टीचर ने कहा, तुम्हें बीमारी है, तुम घर में ही रह के पढ़ाई करो, स्कूल नहीं आना। मात तो शायद नहीं जात का? ना। का बरा? सर मन ले तू घरीच थांब, परीक्षा ला बोलवतो तुला, पण कारण नाही माहित। केशव का कहना है उसे बहुत पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। केशव को माँ पिताजी भी नहीं है, उसकी परवरिश उसकी नानी और उसका बड़ा भाई कर रहा है। मग त्याचे आई वडील कधी वारलेत काय? बापाला लय वर्ष होत झाले आणि आता ह्या 2 महिने झाले बाईला। मग यांचा सांभाळ कोण करते आता? मी करते। मग तुम्ही काय कामाला वगैरे जाता का? कामाला नाही, माझ्या नवरीच पिंसराई त्याच्यातच आपली चटणी मिरची घालते। मैंने 10 दिसंबर 2014 को केशव के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें केशव HIV पॉजिटिव होने के कारण उसे स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था। ये वीडियो मैंने 8 जनवरी को पुरंदर हाई स्कूल में जाके दिखाया। तो वहाँ वीडियो देखने के बाद प्रिंसिपल ने बात की कि उन्हें पता ही नहीं था कि केशव को स्कूल से निकाला गया है। वो बोले मुझे मालूम ही नहीं था कि उसे आने नहीं देते। वीडियो दिखाने के बाद उन्होंने अभी केशव को स्कूल में आने का बोला है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि ऐसे एक छोटे बच्चों के साथ कैसे कोई बिहेव कर सकता है। मैंने प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने दिखाया कि वो उसके साथ है, वो उसे हर जो चीज़ चाहिए वो मुझे बोले कि मैं उसे मदद करूँगा। तू शाळेत जा लागला का आता? कशा मग तुला परत शाळेत बोलावलं? आता बसू दिलं तर चांगलं वाटत। मैरुईने पवार, महाराष्ट्र राज्य के सासवड गाव से, इंडिया अनहड के लिए।